हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हे सॉल्यूशन वीडियोस। ओके, आज हम करने वाले हैं वो है एक्चुअल में एक केमिकल, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा बाकी सब केमिकल से। हाइलाइट्स करने वाले आज हम, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल का आइकन दबाइए। तो आज हम करने वाले हैं लॉरियल का माजी ब्लॉन्ड 900S कलर ट्यूब यूज कर रहा हूँ मैं, ओके, जिसमें 40 वॉल्यूम एंड वेला का ब्लॉन्डर ब्लीच। ओके, तो इसको कैसे यूज करना है, लाइक सबसे पहले मैं 40 वॉल्यूम डालूंगा, 40 वॉल्यूम के बाद मुझे चेक करना है C2 का रेशो रहता है। डबल पार्ट डेवलपर या 40 वॉल्यूम आएगा और सिंगल पार्ट आएगा हमारा ब्लॉन्डर, ओके, और कलर ट्यूब, ये दोनों सिंगल सिंगल पार्ट डालना है। जैसे वो 40 ग्राम डाला, 40 वॉल्यूम 40 ग्राम डाला, तो ये 20 ग्राम डालना है। ओके, तो ये है 900S, जिससे 1 से लेके 4 तक कंट्रास्ट लाइट हो जाता है और ये डिवाइडेशन दिया हुआ है इसमें। ओके, 60 ग्राम की ट्यूब, 50 ग्राम की ट्यूब होती है जिसमें 12-12 ग्राम के पार्टीशन दिए हुए हैं। तो पहले मैं कलर ट्यूब खोल लूंगा। ओके, ओपन किया, मैंने पुश करना स्टार्ट किया ट्यूब में से, कलर ट्यूब को निकाला, कलर को निकाला एंड मिक्स करूंगा। सबसे पहले इन दोनों को मिक्स करूंगा, 40 वॉल्यूम एंड 900S, जो कि माजी ब्लॉन्ड माजीरल का ही एक माजीरल फैमिली है, एक माजी ब्लॉन्ड है, एक माजी कॉन्ट्रास्ट है, इसी तरह से अलग अलग फैमिलीज हैं कलर में। ओके, लॉरियल के कलर ट्यूब्स में, तो इन दोनों को हम पहले मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर सकते हैं ब्लीच, जिससे हमको काफ़ी अच्छा लाइट कलर मिलेगा। हमारे जो क्लाइंट के हेयर हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, लाइक कैसे हेयर्स हैं उनके। ओके, तो ये भी देखना ज़रूरी है कि आप किस तरह से मिक्सिंग करना है। सबसे पहले मिक्सिंग इसीलिए बता रहा हूँ आज, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस में कभी कभी मुझे लगता है शायद मैं भूल जाता हूँ, और काफ़ी लोगों ने बोला भी ऐसा कि सर आप बताते नहीं हो कलर ट्यूब के बारे में। तो आज पहले सबसे पहले यही काम करेंगे, फिर हेयर के ऊपर आएंगे। ओके, ये एक ओम्ब्रे बायलेज हेयर कलर है। ओके, रूट्स डार्क रहेंगी एंड एंड्स एकदम लाइट होते जाएंगे, तो फेडेड कलर भी बोलते हैं, ओम्ब्रे भी बोलते हैं, बायलेज भी बोलते हैं। इसमें ना मैं फॉइल यूज करूंगा और ना ही किसी तरह का क्लीन पेपर। ओके, तो ये फ्री हैंड टेक्निक है, इसको एडवांस टेक्निक बोलते हैं हम लोग, ये सिखाने वाला हूँ आज। जैसे ही दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं उसके बाद हम अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा लाइक कैसे करनी है, वही चीज़ जो देखने वाली है एक्चुअल में, एप्लीकेशन ही देखने वाली है इसकी, और मिक्सिंग तो मैंने ऑलरेडी बता दी आपको। तो ये जो हमारे पास क्लाइंट है, इनके बाल पहले से भी हाईलाइट हैं थोड़े बहुत एंड्स पे, और बाकी सारे बाल डार्क हैं, 4 नंबर के बाल हैं इनके। ओके, तो इनमें क्या करने वाला हूँ, इनमें हम करने वाले हैं कलर, जो कि है ओम्ब्रे वायलेज कलर। तो अभी देखिएगा, ऑलमोस्ट सारे बाल डार्क ही हैं, पहले इसमें स्टिकिंग किया हुआ है, स्टिकिंग हाइलाइट्स किया है विद अ फॉइल, और वो भी मैंने किया हुआ काफ़ी देर पहले की बात है, आई थिंक हो गए 1.5 ईयर जैसा। तो अभी जो हम करने वाले हैं वो हाइलाइट्स है, फुल ग्लोबल भी बोलते हैं, 3D हाइलाइट्स भी बोलते हैं, काफ़ी सारे नाम दे दिए आजकल, एडवांस टेक्निक में जाते हैं तो बहुत सारे अलग अलग नाम दे देते हैं लोग, अपना अपना नाम दे देते हैं, ये जी मैं 3D हाइलाइट्स कर रहा हूँ, मैं बायलेज कर रहा हूँ, मैं ओम्ब्रे कर रहा हूँ, और मैं एडवांस टेक्निक कर रहा हूँ, तो ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं तो सबसे पहले हम सारे बालों को पार्ट्स कर लेंगे अलग अलग। ओके, बांध लेंगे ताकि हमारी जो एप्लीकेशन है वो इजी हो जाएगी लगाने के लिए, हम एप्लीकेशन अच्छे से कर पाएंगे। इसमें फॉइल पेपर यूज़ नहीं करना है, इसमें मुझे कॉटन यूज़ करना है एंड मुझे बोर्ड यूज़ करना है, जो कि है स्ट्रेटनिंग बोर्ड। ओके, तो सबसे पहले मैंने स्लाइस ले लिया है यहाँ पे नेप एरिया पे। ओके, उसमें से मैं टेल कॉम की हेल्प से, जो कि एक स्टील का टेल कॉम है जिसका टेल स्टील का है, यही यूज़ करना है, मैंने स्टिकिंग निकाला उसमें से, एक मोटा थिन स्लाइस लिया हुआ मैंने। ओके, उसमें से स्टिकिंग निकाला, 50% हेयर मैंने स्टिकिंग में ले लिए, 50% हेयर मैंने छोड़ दिए, वो मैंने आगे की तरफ छोड़ दिए।
अभी इन बालों में मैं अच्छे से एप्लीकेशन करूंगा रूट से 3 इंच या 2 इंच जैसा छोड़ के, ओके एकदम सारे बालों पे नहीं लगाना है, रूट से थोड़ा सा छोड़ के लगाना है। एप्लीकेशन कर दो आप बोर्ड के ऊपर, अच्छे से कलर अप्लाई कर दो, एंड जो स्टिकिंग है उससे आप जो ब्रश है ब्रश को वर्टिकल पोजीशन में अप्लाई करना है। तो वर्टिकल पोजीशन कैसी होती है, इस तरह से मुझे कॉम वर्टिकली रखना है इस तरह से, जस्ट सी इट, और मुझे कुछ कुछ जो भी स्टिकिंग मैंने निकाला उन पे थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन करूँगा ताकि वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा कलर दिखे। तो ये सारी टेक्निक मुझे सारे बालों में यूज़ करनी है। यहाँ पे मैं कॉटन रखूँगा ताकि ये कलर शीट्स पे ना लगे और शीट से फिर कपड़ों पे ना लगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे कॉटन रख रहा हूँ और बाकी हेयर पे भी ये कलर ना लगे तो ये कॉटन इसलिए रखता हूँ, ओके नहीं तो बाकी हेयर पे भी कलर चढ़ जाता है। तो अभी फिर से मैंने एक स्लाइस लिया, ओके ये साइज रखना है मुझे कॉटन का 1 इंच बाय 3 इंच, जो मुझे कॉटन रखनी है इसमें उसका साइज बताया मैंने कॉम के हिसाब से, ओके फिर से स्टिकिंग निकालेंगे इस तरह से एंड हम कलर अप्लाई करना शुरू करेंगे स्टिकिंग निकाल के। और मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे मैंने बताया था कि मैं अभी गुजरात में हूँ और यहाँ पे एक एकेडमी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ एकेडमी, और उसमें ये सारे कोर्सेज आने वाले हैं। मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कौन कौन से कोर्सेज मैंने रखे हुए हैं उसमें। मैंने 6 मंथ का कोर्स रखा है, 3 मंथ का कोर्स रखा है, ओके 1.5 मंथ का कोर्स रखा है, देन 2 वीक का कोर्स रखा है। अलग अलग कोर्सेज है जिसमें अलग अलग काम सिखाने वाला हूँ। जो 2 वीक का कोर्स है उसमें सिर्फ केमिकल सिखाने वाला हूँ, उसका जो प्राइस होगा वो मैं आपको बाद में डिटेल में बता दूंगा जब अपना फ़ोन नंबर बताऊंगा इस चैनल पे, ओके और आप लोग वहाँ पे कॉल करके यू कैन आस्क देम, पूछ सकते हैं। 2 वीक के कोर्स में सिर्फ केमिकल होगा, 6 वीक का जो है 1.5 मंथ जिसको बोलते हैं हम लोग, 1.5 मंथ 6 वीक का जो कोर्स है उसमें मैं सिखाने वाला हूँ ओनली हेयर कट, ओके लाइक जो लड़के हैं ऑलरेडी जेंट्स हेयर कट कर रहे हैं बट लेडीज हेयर कट सीखना है तो दे कैन कम एंड लर्न लेडीज हेयर कट इन 6 वीक, ओके 1.5 मंथ में। उसका भी फीस मैं मैं नंबर दूंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में आप कॉल करके पूछ सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा जो नेक्स्ट है वो मैं बता रहा हूँ आपको 12 वीक का, 12 वीक में लाइक 3 मंथ का, उसमें पूरा हेयर का एंड केमिकल्स, ओके हेयर कट बेसिक हेयर कट एंड बेसिक केमिकल्स मैं सिखाने वाला हूँ, जो कि 3 मंथ या 12 वीक का कोर्स है, ओके और उसके बाद जो है 24 वीक का लाइक 6 मंथ का कोर्स। 6 मंथ के कोर्स में मैं टोटली बेसिक एंड एडवांस हेयर कट्स, बेसिक एंड एडवांस टेक्निक ऑफ कलर एंड कलर थ्योरी, एकदम से जिसको बोलते हैं जीरो से हीरो बनना है तो 6 मंथ कोर्स इज बेस्ट, ओके तो ये कोर्सेज हम स्टार्ट कर रहे हैं अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात के अंदर हम अकेडमी ओपन कर रहे हैं, वहाँ पे ये कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ से, सेप्टेम्बर से, ओके तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो का ध्यान रखिएगा, मैं आपको सारा डिटेल देने वाला हूँ उसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या क्या डिटेल्स हैं, ओके और कहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, क्या ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी से। तो इवन जो मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट अगर किसी को बाय करने हैं अमेजोन से तो वो लोग खरीद भी सकते हैं अमेजोन से, ओके तो ये प्रोडक्ट की सारी डिटेल मैंने ऑलरेडी सारी वीडियोज़ में डाली हुई हैं, जो भी वीडियो आप देखते हो उसके डिटेल्स में जाओ, नीचे लिंक्स दिए मैंने, जो भी चीज़ आपको बाय करनी है आप खरीद सकते हो वहाँ जाके, ओके अमेजोन से। इवन कलर सीजर ब्रशेस एप्रॉन कटिंग कॉम एंड क्लिप्स ड्रायर आयरन कलर एवरीथिंग यू नो। तो ये इसलिए मैं बना रहा था वीडियो कि आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में बताया जाए इन फ्यूचर, अगर आपको आप इंटरेस्टेड हो, लाइक काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं बोल रहे हैं सर हमको कोर्स करना है, तो मैं ये एड्रेस इसीलिए दे रहा हूँ। इवन यहाँ पे हमारे पास पीजी की फैसिलिटी भी है, ओके और अगर कोई अक्रॉस द इंडिया लाइक इंडिया के किसी भी कोने से आ रहा है अहमदाबाद में, तो हमारे पास पीजी की फैसिलिटी भी है, आपको रहने का खाने पीने का
फुल प्रोवाइड किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रहने और खाने पीने में। इवन लेडीज और जेंट्स सबका अलग अलग पीजी है ओके। तो वो लोग आके रह सकते हैं अगर कहीं दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं ओके। उनके लिए स्पेशल है, लाइक कोई पंजाब से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, या फिर कोई साउथ से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, उनके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है। और वो अगर आप, मैं कॉल कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा तो आप सारा वो कंफर्म कर सकते हो वहाँ पे ओके। तो अभी आप हाइलाइट्स देखिए, टेक्निक देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ ओके, और इनका रिजल्ट देखिएगा बाद में, एकदम चौंकाने वाला रिजल्ट आने वाला है, मज़ा आ जाएगा। ध्यान रखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, ये कलर हाइलाइट्स टेक्निक बहुत ज़्यादा मस्त है, ट्रस्ट मी। अगर आप कर देते हो ना, क्लाइंट कभी कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आप एडवांस टेक्निक यूज़ कर रहे हो। ये इस तरह से कलर किसी ने अभी ना तो किया है और ना ही कोई करता है, ये टेक्निक एकदम न्यू है ओके। मैं आपको सिखा रहा हूँ इसीलिए, अगर जो इंटरेस्टेड हैं, जो लोग सीखने वाले वो सीख जाएंगे, एकदम इजी ट्रिक है। और जो एकदम पहले से करते आ रहे हैं उनके लिए तो नहीं है ये चीज़, क्योंकि वो दे नो ऑलरेडी। तो आप देखते रहिए है ना, उसके बाद मैं बताता हूँ रिजल्ट।
देखिए यहाँ पे जो है कलर ऑलरेडी हो चुका है, कलर आ चुका है, आप देख रहे होंगे, है ना। तो इस तरह से सब जगह पे कलर ऑलरेडी आ गया है, तो अभी हम करेंगे हेयर वॉश। ओके, मुझे हेयर पे कलर दिख रहा है, ऑलरेडी आ चुका है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अभी हेयर वॉश करना है। क्लाइंट को मैंने बिठा के रखा ऑलमोस्ट 20 टू 25 मिनट्स, जिसमें कलर आ गया है इनके बालों में। ओके, अभी हम करेंगे हेयर वॉश। हेयर वॉश कैसे करना है ये भी देखिएगा आप ध्यान से, मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक हेयर वॉश हम कैसे कर सकते हैं इस हाइलाइट्स का। ओके, तो ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी चीज़ है जो आपको सीखना पड़ेगा। कलर का हेयर वॉश थोड़ा सा डिफरेंट होता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है करना, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, अभी सबसे पहले हम टॉल लगाएंगे क्लाइंट के। ओके, देन उसके बाद शैम्पू एप्रन जो है ये पड़ा हुआ है शैम्पू चेयर पे, ये लगाएंगे ताकि पानी उनके क्लॉथ में ना जाए, कपड़ों में ना जाए। ओके, चेयर ऊपर कर लेंगे, एडजस्ट करेंगे क्लाइंट के हेड के अकॉर्डिंग, क्योंकि किसी का जो हाइट है वो लंबा होता है, किसी का छोटा होता है। तो सबसे पहले मैं सारे बाल गीले करूँगा और कॉटन निकालना शुरू करूँगा। ओके, और ध्यान रखना है कॉटन कहीं आपके शैम्पू में ना चला जाए, शैम्पू स्टेशन में ना चला जाए अंदर। तो सबसे पहले मुझे सारे बालों में से कॉटन निकाल लेना है, इस कॉटन को फेंक देना है, ये यूजेबल नहीं होगा बाद में। ओके, अच्छे से धो लीजिए पूरे कलर को। फिर इसमें हम बाद में क्या करेंगे, जैसे ही ये पूरा धुल जाएगा उसके बाद मैं इसमें शैम्पू एंड मास्क अप्लाई करूंगा 15 मिनट के लिए। अब ये हो चुका है वॉश, इसको हम ड्रायर करेंगे। ओके, ड्रायर करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा रिजल्ट आया है, जस्ट ये। ओके, सीरम लगा देंगे हम, सीरम एप्लीकेशन करेंगे एंड फिर फिंगर ड्राई एंड ब्लो ड्राई करेंगे, जस्ट ये।
तो जैसे ही ब्लर हो जाता है जस्ट सी द रिजल्ट, रूट से डार्क आते आते नीचे नीचे एकदम लाइट होता जा रहा है। ये जो कलर है यही मैं आपको दिखाने वाला था कि क्या डिफरेंस है दोनों हेयर कलर में। ओम्ब्रे बायलेज कलर इस तरह से दिखता है जो हमने आज किया है, और क्लाइंट भी खुश है कि उसको यही कलर चाहिए था, जस्ट ये। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइए मुझे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।